अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद मोइन जुमान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, हम इस वीलो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये है, क्या शनाख्त परेड के अमल में ताखीर मिस कैरिज ऑफ जस्टिस है। इस वीलो में जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर बात करेंगे वो ये होंगे। नंबर वन, शनाख्त परेड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। नंबर टू, आर्टिकल 22 QSO 1984 को डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री, 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियां किस कानून के तहत अमल में लाई जा रही हैं। नंबर फोर, इस टॉपिक के रिलेटेड लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉ को भी डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं शनाख्त परेड क्या होती है और इसका प्रोसेस किस तरह अमल में लाया जाता है। शनाख्त परेड का प्रोसेस इस वक्त अमल में लाया जाता है जब किसी बंदे को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुँचाया हो, लेकिन वो मुल्ज़म या मुल्ज़मान को देखने पर पहचान सकता हो। और दूसरा, जो इन दिनों में 9 मई के वाकया में पुरतशद्दद वाकयात में मुलव्वस लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, इनको भी कानूनी नुक्ता नज़र के लिहाज से शनाख्त परेड के प्रोसेस से गुजरना होता है। पहले जो शनाख्त परेड का तरीक़ेकार चल रहा था, जिसमें काफ़ी डिले देखने में आता था, वो ये था कि जब पुलिस मशकूक बंदे को गिरफ्तार कर लेती है, ये गिरफ्तारी सेक्शन 54 CRPC के तहत अमल में लाई जाती है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जुडिशल कर देता था। हर ज़िला में सेशन जज साहब ने एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई होती है कि इसने शनाख्त परेड करनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जुडिशल करने वाला ऑर्डर लेकर मजिस्ट्रेट के साहब के पास जाता है, फिर वो शनाख्त परेड के लिए तारीख देता था। इस तारीख पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विटनेस और कंप्लेनेंट को साथ लेकर जेल चला जाता है। इस दौरान शनाख्त परेड का प्रोसेस तामील मुकम्मल कर लिया जाता है। जब शनाख्त परेड मुकम्मल हो जाती है, तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुतलका मजिस्ट्रेट को तलब करने के लिए एप्लीकेशन गुजारता है। इसमें चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि किस मजिस्ट्रेट ने भेजना है और किस मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड करवानी है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेना होता है। अब इस डिले को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। इनमें से एक ये है PLD 2022 SC 261। इसमें होल्ड किया गया था कि मुलज़म को एक दिन के लिए भी इसकी फ्रीडम और लिबर्टी से महरूम रखना गैर जिम्मेदाराना और इंसानी वक़ार से बिलो है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहने के बावजूद जस्टिस होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 22 QSO 1984, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट्स इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट्स ऑन विच सपोर्ट अ रिब्यूट एंड इंटरफेरेंस सुगेस्ट बाय अ फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट आर विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग आर पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट आर फिक्स द टाइम आर प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट हैपन्ड आर विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट्स वाज ट्रांसएक्टेड आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पस। अब हम अपने इस टॉपिक को केस लॉ की नज़र से देख लेते हैं। ये केस लॉ है 2023 LHC 3274। इस जजमेंट्स में जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 9/5/2023 को PTI के कारकुनान पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सड़कों पर निकल आए, वो पुरतशद्दद हो गए, सड़कें बंद कर दीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ के साथ लड़ाई हुई, सरकारी और निजी अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने मुतलका अजला में मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ सेक्शन 31 और 26 द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के अहकाम जारी किए। नामजद और नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कानून शिकनी पर FIRs भी दर्ज की गई।
इसमें ये होल्ड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आइन के महाफ़िज़ हैं, इनसे ज़रूरी है कि वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस और अवामी अहकाम के तर्ज अमल का जायज़ा लें जो कि इंसाफ, माकूलियत और तनासब की बुनियाद पर हैं। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार 25/5/2023 से TIP का इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचे रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने तफ्तीशी अफसर को कहा है कि कंपिटेंट कोर्ट से TIP के लिए 3 दिन के अंदर तारीख तलब की जाए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दरख्वास्त गुजार को मज़ीद तखीर का सामना करना पड़ा है जो ऊपर बयान किए गए इनके ऐनी हकूक की खिलाफ वर्जी करती है। वीडियो के एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।